हेलो, आज मैं आप सभी को SBWB गैंग नहीं बोलूंगा यार। आप बोलोगे भैया क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो, एक प्रकार से हमने 10th की जर्नी हमारी शुरू की थी और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने खत्म की थी। सही सही दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलना है स्टूडेंट्स, क्या सही में आप उसी प्रकार से कंसिस्टेंट हो आपके 11th स्टैंडर्ड में? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में एंटर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में नई नई एंटर हो चुकी है, लेकिन 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमको हमारे स्टडीज पे जितना फोकस होना चाहिए उतना फोकस हम नहीं हुए। ये आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको भी पता है जिस प्रकार से हम लर्निंग करते थे, जिस प्रकार से हम कंसेप्ट क्लियरिंग करते थे, जिस प्रकार से हम टाइम स्पेंड करते थे हमारे पर्टिकुलर स्टडी में, 10वीं कक्षा में, 10th स्टैंडर्ड में, साथ में हमने किया है, मुझे पता है आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट थे। लेकिन क्या सही में सही में सही में मुझे सच सच कमेंट्स में बताना है कि आप सही में क्या उतने ज्यादा कंसिस्टेंट हो आपके 11th को लेके? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो अभी मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इफ यू वांट टू बी इन योर टॉप 3% स्टूडेंट्स में अगर आप आना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंट की जो एक पर्टिकुलर चाबी है उस चाबी को पकड़ के रखना पड़ेगा 12th के एंड तक। मैं यहाँ पे आपको डांटने नहीं आया हूँ, और अगर डांट भी रहा हूँ तो ये मेरा पूरा की पूरा हक है, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते मैं आप सभी को हमेशा गाइड करता हूँ और हमेशा गाइड करते रहूंगा टिल द एंड ऑफ योर एकेडमिक जर्नी। लेकिन स्टूडेंट, सही में बताना है मुझे, क्यों क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो यार? क्या दिक्कत क्या आ रही है मुझे बताओ। सभी रिसोर्सेस, सभी मटेरियल्स आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड करके दिया है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, ये वीडियो पूरा के पूरा एक ड्रास्टिक आपको रियलिटी बताने वाला है, पूरा के पूरा रोड मैप देने वाला हूं, जिसमें आप आपके 10th में महारत हासिल कर सकते हो। जैसे जिस प्रकार से आपने 10th में महारत हासिल किया था, उसी प्रकार से 11th में महारत हासिल करने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि भाई हमारा 11th कितने महीने का होता है। सभी को मैं बता दूं कि आपका 11th जो होता है वो बस 8 महीनों का होता है। आप बोलोगे भैया बस 8 महीने, हमने तो सुना था कि 1 साल का कोर्स होता है 11th। नहीं, बस 8 महीने का कोर्स होता है, जून से लेके तो जनवरी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बस खत्म। जनवरी के एंड तक, जी हाँ स्टूडेंट, जनवरी के एंड तक आपके पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस में, आपके पर्टिकुलर कॉलेजेस में सभी के सभी पोर्शंस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगले जनवरी से लेके तो अगले जनवरी तक आपका 12th का पोर्शन खत्म करना पड़ता है, क्योंकि फेब्रुआरी के महीने में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होती है 12th स्टैंडर्ड की। तो स्टूडेंट्स, 8 महीने हैं, मुझे बताना 8 महीने में से जून चले गए, जुलाई चले गए, अगस्त चले गए, 3 महीने निपटा दिया आप सभी ने, मतलब आपके पास अभी बस हार्डली 5 मंथ्स है। सही में बताना है स्टूडेंट्स, अगर ये 5 महीनों को आपने अगर सीरियसली नहीं लिया ना, कुछ नहीं होने वाला है 12th स्टैंडर्ड में। ये बहुत बड़ा रियलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के एंड में जाके बोलते हैं सपने तो IIT के देखा था, लेकिन अभी ना कुछ मिल रहा है हाथ में, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज तो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज भी मिलने के लाले हो चुके हैं तुम्हारे। ये रियलिटी है, ये पिछले 4 सालों से 3 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, बस ऑनलाइन ही नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द ऑनलाइन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन ऑल्सो। ऑफलाइन में भी मैंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मुझे पता है कि रियलिटी क्या होती है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो एंड तक देखो, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आएगी कि रोड मैप आखिर है क्या और किस प्रकार से हम कंसिस्टेंट रहकर टॉप 3% में आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले हमको रियलिटी चेक करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। तो लाला लोग और SBWB गैंग के मेंबर्स रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी बस 11th ही नहीं भैया, आपके साथ 12th तक रहेंगे साथ में, और 12th के एंडिंग तक जिस प्रकार से हमने 10th फोड़ा था उस प्रकार से फोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक बेसिकली दिमाग में डाल देना है कि भाई 8 महीने है, 8 महीने में हमको 11वीं कक्षा खत्म करनी है, मतलब जून से लेके तो जनवरी। अभी जब ये वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूँ तो लगभग लगभग 11-12 तारीख होगा अगस्त का, जिस पर्टिकुलर दिन ये वीडियो जाएगा, तो मतलब 3 महीने आपने वेस्ट कर दिए हैं। या फिर पढ़ाई भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ कि 3 महीने ऐसे पकड़ के चलते हैं कि हमने वेस्ट ही कर दिया है। अभी हमारे पास है 5 महीने, अभी इन 5 महीनों को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है उसका पूरा के पूरा रोड मैप इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। फोकस करना है सबसे पहले तो कंसेप्ट पे। अभी स्टूडेंट्स, व्हाट डज मीन बाय कंसेप्ट? बच्चों को कंसेप्ट मतलब समझता नहीं है, वो थ्योरी पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि कंसेप्ट समझ जाते हैं। देखो स्टूडेंट, जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर, इंडिविजुअल एडुकेटर आपको पढ़ा रहा है, आप उनके सेशन ज्वाइन कर रहे हो, आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आपको सभी चीजें समझ गई है, घर पे आने के बाद उन कॉन्सेप्ट्स पे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, उन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स पे आप आके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब जाके मैं मानूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अलग अलग टाइप्स के, ना कि बस टीचर ने जो
उस कंसेप्ट के रिलेटेड जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिए वो नहीं, अलग, उससे अलग, लेकिन वही कंसेप्ट, तब जाके आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। नहीं तो मैं यही मानूंगा कि आप सभी के थ्योरी कंप्लीट हो रहे हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है, फंडामेंटल यूनिट्स आपको है, देखो केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो हम सभी को पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, तो उनपे अलग अलग क्वेश्चन की भाई स्केलर यूनिट क्या है, वेक्टर यूनिट्स क्या है, राइट, फिर एरर्स कौन से टाइप्स के, ये सभी चीजें आपको इंकल्केट करना है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अलग अलग टाइप्स के, ना कि बस टीचर ने जो ट्यूशन में या फिर टीचर ने जो क्लासेस में या फिर कहीं पे भी लेक्चर लिए तो वहां पे के, अलग अलग। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड योर एग्जाम्स। सबसे पहले आपको एग्जाम्स को समझना पड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और स्टूडेंट्स उनका एक पोर्शन होता है, भले आप रेलवे भर्ती की बात करो, एमपीएससी यूपीएससी की बात करो, बोर्ड एग्जाम्स की बात करो, या फिर आपके जेई नीट और एट द सेम सीईटी एग्जामिनेशन की बात करो, हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सीईटी का अगर पैटर्न देखें तो 20% जो होता है वो 11th का होता है और 80% जो होता है वो 12th का होता है। तो अगर मैं 20% भी मानूं तो 50 में से जो 10 क्वेश्चंस है वो 11th के आने वाले हैं, लेकिन हमारे लाला लोग तो 11th में मजा कर रहे हैं। वो 10 क्वेश्चंस का क्या, 10 क्वेश्चंस मतलब कि आपके बहुत ज्यादा परसेंटाइल नीचे घिसर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं बोलता हूं कि उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करो और पहले पोर्शन समझ के लो कि भाई सीईटी में 11वीं के 20% आएंगे, 20% मतलब कि देखो 100 में से 20% मतलब 20 क्वेश्चन, तो 50 में से 10 क्वेश्चन आएंगे भाई, तो अपने को करना पड़ेगा 10 क्वेश्चन, तो आपको करना पड़ेगा। अभी उस 10 क्वेश्चन के लिए आपको स्टूडेंट्स 8 चैप्टर्स को पूरा करना पड़ेगा, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, 8-8 चैप्टर्स है आपको। तो पहले तो पैटर्न समझ के लेना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो पैटर्न समझ के लो कि कौन से चैप्टर्स सीईटी में इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीईटी का प्रेफरेंस कर रहे हैं, जो जेई का कर रहे हैं, तो वो जेई का बात करता हूं मैं, लेकिन सबसे पहले पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। नहीं मालूम होगा तो आपके टीचरों को जाके पूछो कि बोलना कौन से 11 के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है 12th में, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे तो उन्हीं चैप्टर्स में हम फोकस कर सकते हैं, मतलब कि उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम फोकस कर सकते हैं, ये जाके पूछो, ये आपका हक है। और वो टीचर आपको जरूर बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा यार, पैसा लग रहा है क्या, बोलेगा वो, ठीक है। उसके बाद वेटेजेस, ठीक है, चैप्टर्स के जिस प्रकार से मैंने 10th में आपको वेटेज दिए थे उसी प्रकार से 11th 12th में भी वेटेज होते हैं। जाहिर सी बात है वो पूरे के पूरे परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वेटेजेस होते हैं। तो वेटेजेस से हमको समझ में आता है कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, इस टॉपिक का पर्टिकुलर सब टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, तो वेटेज को एनालाइज करो, पैटर्न को एनालाइज करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से निकालो। और फिर उसके बाद मेक टू सब्जेक्ट्स परफेक्ट, मतलब कि सपोज स्टूडेंट्स आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर मैं पकड़ के चल रहा हूं पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो स्टूडेंट्स आप इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट्स परफेक्ट करो। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा अगर आप सीईटी एग्जामिनेशन दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले केमिस्ट्री और मैथ और यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को परफेक्ट करो, फिजिक्स को थोड़ा होल्ड पे रखो, लेकिन पहले दो टॉपिक्स परफेक्ट करके रखो, क्योंकि फिजिक्स में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के बांधने लगते हैं। तो अगर आप भी उन पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर सभी बच्चों को जिन पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है और आपको भी दिक्कत है तो चलेगा, लेकिन सभी बच्चों को जिन टॉपिक्स में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं और आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, जो कि सबसे सिंपल होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और मैथ, उसमें अच्छे आपको मार्क्स नहीं मिल रहे और फिजिक्स में आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे, तो आप कहीं ना कहीं अलग कैटेगरी में गिर जाओगे। तो ये एक माइंडसेट बना के रखना कि पहले भाई मैं फिजिक्स को थोड़ा सा होल्ड पे रखना, होल्ड इन द सेंस कि देखो अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे केमिस्ट्री करो, 1 घंटा फिजिक्स को दो, 3 घंटे मैथ्स करो, 1 घंटा फिजिक्स को दो अल्टरनेटिव डेज पे, समझ रहे हो, करो पढ़ाई करो, मैं खिलाफ नहीं हूं, बस मैं बोल रहा हूं दो सब्जेक्ट्स 11th में इतना स्ट्रॉन्ग करके रखो कि भाई साहब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हमको पूछ लिया 11th स्टैंडर्ड का तो हम आंसर दे देंगे, कोई भी दो सब्जेक्ट, एनी टू, विच एवर योर प्रेफरेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स करो, मैथ को होल्ड पे रखो, लेकिन 4 घंटा तो आपको पढ़ाई करना है कंसिस्टेंट रह के, करना है मतलब करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी। देखो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के क्लासेस सुबह के टाइम पे होते हैं, तो दोपहर का टाइम और रात का टाइम पूरा खाली होता है, उस समय पे कहीं भी करके 2 घंटे और फिर रात के 2 घंटे स्लॉट बना लो, 2 घंटे कब देने, 2 घंटे कब देने, 4 घंटों में से 3 घंटे आपको एक मेन सब्जेक्ट करना है और अल्टरनेटिव सब्जेक्ट जो है जो अपन ने होल्ड पे रखा है उस सब्जेक्ट को आपको करना है, फिर अल्टरनेटिव पे जो मेन सब्जेक्ट है वो वापस। सपोज फॉर एग्जांपल मंडे को मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है मैंने होल्ड पे रखा है, फिर केमिस्ट्री और मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, भैया ने बोला है कि भाई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने, तो केमिस्ट्री और मैथ मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो केमिस्ट्री
और फिजिक्स मैं मंडे को लूंगा, केमिस्ट्री में पूरे 3 घंटे, फिजिक्स 1 घंटा, ट्यूजडे को मैथ पूरे 3 घंटे, फिजिक्स 1 घंटा। जिससे क्या हो रहा है, 2 दिन में केमिस्ट्री 3 घंटे हो रहे हैं, फिजिक्स 2 घंटे हो रहे हैं और मैथ्स भी 3 घंटे हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे एकदम इक्वल लेवल अप बनेगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को यही सजेशन करूंगा कि आप डिसाइड कर लो कि आपको आखिर किस गाड़ी में बैठना है। आपको नीट के गाड़ी में बैठना है, जेई के गाड़ी में बैठना है या सीईटी के गाड़ी में बैठना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, पहले सपने देख लेते हैं आईआईटी ये वो और फिर बाद में जैसे जैसे उनको समझ में आता है भाई साहब अपनी उतनी लेवल नहीं बन रही है, अपनी उतनी औकात नहीं है, अपनी उतनी लेवल नहीं बन रही है पढ़ाई में, तब फिर समझ में आता है बेटा हम सीईटी में चले जाते हैं। फिर सीईटी को ट्राई करने जाते हो, सीईटी भी नहीं निकलती और फिर प्राइवेट कॉलेज में घिसते बैठते हो। उससे अच्छा है स्टूडेंट्स अभी डिसाइड कर लो कि भाई तुमको मालूम है, अगर तुमको देखो कैसे डिसाइड करना है कि मैं किस लिए बनाऊं। जेई का पोर्शन है, आप जेई के क्लासेस डेमो क्लासेस लो, उन डेमो क्लासेस में या फिर आपने क्लासेस लगाए हैं तो जेई के क्लासेस में आप अगर बैठे हो, अगर 100% में से, अगर 100% में से आपको 80-90% समझ रहा है तो आप जेई क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 80% से नीचे समझ रहा है, 79% भी समझ रहा है वो टॉपिक, तो आपसे नहीं होने वाला। दिस इज द हार्श रियलिटी दैट आई एम टेलिंग टू यू। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। सीईटी का भी सेम, नीट का भी सेम। सो यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज फॉर विच एग्जामिनेशन आई एम पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर, नहीं तो फिर बाद में ना इतने ज्यादा वांदे हो जाएंगे, फिर बोर्ड्स भी निकलेगा नहीं और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जेई और नीट में, नीट में तो भी ठीक है, सीईटी में तो भी ठीक है, लेकिन जेई में 75% बोर्ड्स में होना मतलब होना, तो वो ध्यान में रखना, नहीं तो बाद में रोना। बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडिंग लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करो। अगर आपको स्कूल और कॉलेजेस या फिर ट्यूशंस के लेक्चर्स अटेंड करना पसंद नहीं है, तो हर रात को 9 बजे मैं अन अकेडमी पे लाइव ले रहा हूँ, फ्री क्लासेस है, यूट्यूब पे ही है, अन अकेडमी यूट्यूब पे ही है। ये चैनल है देखो, MH बोर्ड्स स्कॉलर्स, ठीक है, आई हैव रिसेंटली ज्वाइन अन अकेडमी, सो MH बोर्ड स्कॉलर्स बोल के चैनल है। इस चैनल पे आप हर रात 9 बजे आके मेरे से फ्री सेशंस ले सकते हो, जहां पे मैं बोर्ड्स का सभी चीजें करवा रहा हूँ, सीईटी के सभी चीजें करवा रहा हूँ, और संडे को मैराथन लेक्चर लेते हैं 2-2 घंटे के, तो आप वहां पे भैया को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद टेकिंग नोट्स, जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी अलग अलग टीचरों ने पढ़ाया, जिनको भी आप फॉलो करते हो, उन टीचरों को फॉलो करने के बाद उनके नोट्स बना के रखो। वो जो नोट्स भेजते वो नहीं, खुद के हैंड रिटन नोट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खुद के हैंड रिटन नोट्स एंड टीचर के नोट्स, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज ह्यूज ड्रास्टिक डिफरेंस। आप जब खुद के नोट्स बनाते हो तो 2 पेन्स का इस्तेमाल करो, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन, या फिर एक रेड पेन और एक ब्लैक पेन। जिससे कि स्टूडेंट्स रेड पेन ये सिंबल होगा, देखो ऐसे करना, रेड पेन जो होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ब्लैक पेन जो होगा वो नॉर्मल टॉपिक्स। तो जब भी भैया बोलते हैं कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर भी बोलती है देखो बच्चा लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको रेड पेन से लिखना, और जो नॉर्मल टॉपिक्स है उनको ब्लैक पेन से। मतलब जब आप बुक खोलते हो तो रेड पेन का जो भी है वो हाईलाइट होगा, ठीक है, इंटेंसिटी वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड पेन की, मतलब रेड कलर की, आंखों को जल्दी अट्रैक्ट करता है वो, इसलिए सिग्नल भी ऐसे दूर से होता है, पता है ना आपको ये चीज है। तो उससे क्या होगा, जब भी आप बुक खोलोगे तो आपको समझ में आएगा अरे भाई रेड से लिखा है, दैट मींस इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपकी नजर उस पे जाएगी और आप उसको ही रीड करोगे और नॉर्मल टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, समझ रहे हो, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। रिवाइज भी उसी प्रकार से करना है। अभी देखो रिविजन पे मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, तुमको पता है रिविजन किस प्रकार से करना है, टेंथ में भी बहुत सारी चीजें मैंने तुम सभी को बताई है। अगर 60 मिनट आप पढ़ाई कर रहे हो तो 40 मिनट आप लर्निंग करो, 40 मिनट आप कंसेप्ट क्लियर करो, और 20 मिनट वापस जो 40 मिनट आप पढ़े हो उसको रिवीजन करो। उसको कहते हैं हम 80-20 रूल। मैं बहुत बार बोल चुका हूं 80-20 रूल के बारे में। अगर आप 100% पढ़ाई कर रहे हो तो 80% आप लर्निंग, उसके बाद कंसेप्ट क्लियरिंग इसमें दो, और 20% आप रिवीजन में दो। मतलब 60 मिनट है, 60 मिनट आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से लगभग 40 या 45 मिनट्स आप क्या करो, पूरा की पूरा लर्निंग कंसेप्ट क्लियरिंग वगैरह करो, और 15 से 20 मिनट जो होंगे वो आप क्या करो, उसको रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन, जिससे कि आपको हो जाएगा। मेक वन पेज नोट्स, ठीक है, ये मैं बहुत बार करता था मेरे 11-12 स्टैंडर्ड में, वन पेज नोट्स करता था। मतलब जब भी पूरा की पूरा लेसन हमारा खत्म हो जाता था, टीचरों का जब भी लेसन वगैरह पूरा खत्म हो जाता था, तो मैं एक पेज के नोट्स बना लेता था। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उस एक पेज में मैं बना लेता था, एक पेज मतलब आगे से पीछे से, ठीक है, एक पेज पे तो नहीं आएगा लेकिन बोल रहा हूं मैं,
तो 2 पेज नोट्स हम बोल सकते हैं अगर आगे पीछे से किया तो एक पेज पे आप किस प्रकार से छोटे छोटे हैंडराइटिंग में, लेकिन किस प्रकार से आप पूरे लेसन को समराइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस जो कि सीईटी या फिर अलग अलग एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, उनको हम कहते हैं 1 पेज नोट्स। सो ट्राई टू मेक 1 पेजेस नोट्स, 1 पेज नोट्स बनाना ट्राई करो। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह में जाओ, स्विमिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, थोड़ा फिजिक बढ़ाओ। जब आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तभी जाके आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे ऐसा लूले पाले, अरे भाई क्या चल रहा क्या नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बी बोथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक वार्म बन जाओ, बस पढ़ाई करते बैठो, अभ्यासु कीड़ा बन जाओ, वैसा नहीं। हमको हर एक चीज में हमको हाईलाइट में रहना, हर एक चीज में हमको कंसिस्टेंट रहना है, तब जाके हमसे होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं रात को 9 बजे, अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स बोल के चैनल है, रोज रात को 9 बजे मैं आ रहा हूँ। तो इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, 11 क्लास का रोज रात को 9 बजे होता है, फ्री है, 1 रुपए भी नहीं लगेगा भाई, बस आके ज्वाइन करना है। एंड दिस याद रखना है, ये जो 8 महीने है जिसमें से 3 महीने हमने वेस्ट कर दिए तो 5 महीने। और स्टूडेंट्स अगर आपको हर एक टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज चैप्टर्स और हर एक सब्जेक्ट को किस प्रकार से डील करना है इन 5 महीनों में, अगर उस पर एक वीडियो चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रोड मैप वीडियो में बना के दूंगा, मुझे बस कमेंट्स में वो बताना है, वो भी करने के लिए मैं तैयार हूँ आप सभी के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, 100K के हम बहुत ज्यादा नजदीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो टेंशन लेना नहीं है, भैया है और थोड़ा सा अगर डांट दिया होगा तो मेरे हक है वो आप पे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक पीस।